नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास ओप्पो K10 है या फिर ओप्पो K10 5G है, कोई सा भी फ़ोन हो, आप किस तरह से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को वॉलपेपर बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको ना कहीं भी होल्ड करके इस तरह से रखना है खाली स्क्रीन पे, तो कुछ ऐसा आएगा, तो आपको वॉलपेपर पे क्लिक कर लेना है। जब वॉलपेपर पे क्लिक करोगे ना, तो आपको अलग अलग तरह के वॉलपेपर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एस्टेटिक्स मिल जाता है, तो आप एस्टेटिक्स लगाने वाले हो तो यहीं से आप सिंपली इस तरह से टैप करके आप देखते जाओ, और जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ से चाहो तो वॉलपेपर को जूम ऑफ और जूम इन भी कर सकते हो। तो जूम ऑफ करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब लॉक स्क्रीन पे लगाना है, होम स्क्रीन पे लगाना है, या दोनों पे लगाना है, तो मुझे दोनों पे ही लगाना है, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो ये वॉलपेपर आपका सेट हो जाता है कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे आपके सिस्टम कलर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो जब भी आप वॉलपेपर सेट करोगे तो आपको कलर्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप चाहो तो वॉलपेपर कलर पिकिंग चूज कर सकते हो, यानी कि वॉलपेपर के अनुसार सिस्टम का कलर क्या होना चाहिए ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसी अनुसार आपका कलर पिक कर देगा। हालांकि कलर्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, इसको आप आई बटन में जा करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे अलग अलग वॉलपेपर सेट करके दिखाने वाला हूँ। तो स्टैटिक की बात हो गई। अब मान के चलो बहुत सारे लोग लाइव देखना चाहते हैं, लाइव वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं, तो ये सारे कुछ लाइव वॉलपेपर होते हैं। ओके, तो जैसे कि ये लाइव वॉलपेपर है, तो ये लाइव वॉलपेपर को आप अप्लाई कर सकते हो। जब भी अप्लाई करोगे लाइव को, तो वहाँ पे ये लाइव ना सिर्फ आपका लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन पे तो होगा ही होगा, तो मैं दोनों के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे बैक करोगे तो आपको और भी वॉलपेपर के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको नीचे में यहाँ पे लाइव के ऑप्शन मिल रहे थे, इसी तरह से आप जब जाओगे तो यहाँ पे मोर वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। अब मोर वॉलपेपर पे जाओगे तो आप वॉलपेपर जो ओप्पो के तरफ से थीम में ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर का, उस पे चले जाओगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे कि जो हॉट्स वॉलपेपर होते हैं, जो डार्क वॉलपेपर होते हैं, तो ये सारे वॉलपेपर आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से आप लेटेस्ट पे जा सकते हो, तो यहाँ से ना किसी भी सेक्शन में जा करके आप वॉलपेपर चूज कर सकते हो। सपोज करो मुझे ये वाला वॉलपेपर अगर पसंद आ रहा है, तो ये वाला वॉलपेपर अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब डाउनलोड हो गया एक बार, तो इसके बाद यहीं पे बैक करके सिंपली अप्लाई करूंगा तो ये दो ऑप्शन आता है, तो मैं वॉलपेपर के थ्रू ही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रॉल विथ होम स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन जब ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे ऐसे स्क्रॉल होना चाहिए या फिर सिर्फ ऐसे रहना चाहिए एक जगह पे, तो मैं एक जगह पे फिक्स कर देता हूँ। ये जूम का ऑप्शन होता है, जूम और जूम आउट। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब लॉक स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे, दोनों पे कर दिया, तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फिक्स करके किया था, और अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल वाला रखता तो जब सेकेंड पेज पे जाता ना, तो ये वॉलपेपर थोड़ा इधर हो जाता। ओके, इसी तरह से जब आप मोबाइल को इधर से ऐसे ऐसे करते हो, तो जूम अगर आप जूम आउट करके रखते हो तो आपका नहीं होता, फिक्स होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, एक बार मैं वॉलपेपर पे वापस से चला गया, और वापस से जाने के बाद मैं यही सेम चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, वॉलपेपर थ्रू ले रहा हूँ, लेकिन मैंने जूम कर लिया, और इसके बाद यहाँ पे भी मैंने ये वाला सेलेक्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया, और यह मैंने लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पे कर दिया। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इफेक्ट क्या होगा इसका, ये सेट हो गया है ना। तो अब देखो, जब कर रहा हूँ तो वॉलपेपर आपका बड़ा वाला वॉलपेपर सेट हो गया। ठीक है, और जब आपका यहाँ पे होम, आप लॉक स्क्रीन पे होते हो तो लॉक स्क्रीन पे आपको जूम होकर के मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप लॉक स्क्रीन से पासवर्ड डालोगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अब रही बात कि अगर गैलरी में फ़ोटो है और उस फोटो को मुझे वॉलपेपर सेट करना है, ठीक है, तो सपोज करो कि ये वाला फ़ोटो है, जिनका मोबाइल है, ये वाला फ़ोटो उनका, ये मुझे वॉलपेपर लगाना है, तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, और थ्री डॉट पे जाने के बाद सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक करूँगा, और सेट एज वॉलपेपर पे करने के बाद ना आपको इस तरह से जूम जूम इन जूम आउट करके इस तरह से कर लेना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है, कि आप चाहो तो यहाँ पे ग्राफिक भी इस टाइप से बना सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रॉल विथ होम स्क्रीन अगर पूरा लगाना है आपको, तो स्क्रॉल ये चेक मार्क करोगे, और अगर सिर्फ इतना लगाना है तो ऐसे करके जूम ऑफ कर देता हूं और अप्लाई कर दूंगा। अब कहाँ लगाना है, सिर्फ लॉक स्क्रीन पे लगाना है मुझे, तो लॉक स्क्रीन करूंगा, होम स्क्रीन पे लगाना है होम स्क्रीन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसको होम एंड लॉक दोनों पे ही लगा लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे होम और लॉक
लॉक दोनों ही स्क्रीन पे ये वॉलपेपर लग चुका है। तो इस तरह से आप हर तरह के वॉलपेपर को लगा सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।